India Legal presents Courts Roundup. केंद्र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगा, जिसमें ईडी को गिरफ्तारी के कारणों की लिखित जानकारी देने का निर्देश दिया गया। मामला पंकज बंसल बनाम भारत संघ केस से जुड़ा है। 3 सदस्यीय पीठ ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि ECIR, जो कि एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में FIR होता है, उसे ना देना गलत नहीं पाया जा सकता। शीर्ष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि ECIR आरोपी को देने की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले को जस्टिस बोपन्ना की बेंच ने खारिज कर दिया था और कहा था कि ईडी को गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देनी होगी। अब केंद्र इस फैसले को चुनौती दे रहा है। केंद्र सरकार जल्द ही पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसमें कहा गया था कि ईडी को गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में सूचित करना होगा और केवल समन पर असहयोग करना गिरफ्तारी का आधार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ये दलील दी। दिल्ली हाईकोर्ट न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकास्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कथित चीनी फंडिंग पर UAPA मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। उन्होंने ये कहते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दी है कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया है और वे पंकज बंसल के फैसले पर भरोसा करते हैं। जवाब में दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि पंकज बंसल का फैसला 3 अक्टूबर को हुई वर्तमान गिरफ्तारी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि फैसला स्पष्ट करता है कि ये अब से लागू होगा और फैसला 4 अक्टूबर को अपलोड किया गया। पीठ ने ये भी कहा कि विजय मदन लाल चौधरी मामले में ये माना गया था कि किसी दिए गए मामले में ECIR, जो कि एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में FIR होता है, उसकी जानकारी न देने को गलत नहीं पाया जा सकता। ये इसलिए क्योंकि ECIR में विवरण शामिल हो सकते हैं, ईडी के कब्जे में मौजूद सामग्री और उसका खुलासा करने से जांच या पूछताछ के अंतिम नतीजे पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही ये भी माना गया कि जब तक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाता है, तब तक ये संविधान के अनुच्छेद 22(1) के आदेश का पर्याप्त अनुपालन होगा। जस्टिस संजय कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लेख किया गया, जिसमें प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जितनी जल्दी हो सके सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। पीठ ने आगे कहा कि PMLA की धारा 19 के अनुसार ईडी के अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, यदि उनके पास विश्वास करने का कारण है कि आरोपी PMLA के तहत अपराधों का दोषी है। PMLA की धारा 45 के तहत जमानत पाने के लिए आरोपी को ये स्थापित करना होगा कि ये मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि वह दोषी है। ब्यूरो रिपोर्ट। वही सुप्रीम कोर्ट ने NCP के अयोग्य लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल को राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को पारित केरल हाईकोर्ट के हालिया आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हत्या के प्रयास के मामले में फैजल की सजा को निलंबित करने से इनकार किया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले को हाईकोर्ट में भेजे जाने तक सजा के निलंबन का लाभ जारी रहेगा, इस प्रकार अनुमति दी गई है। मोहम्मद फैजल का लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद सदस्य के रूप में जारी रहना चालू हो गया है और चालू हो जाएगा। बताते हैं आपको, कोर्ट ने फैजल की याचिका पर 4 सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस भी जारी किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने अंतरिम आदेश देने का कड़ा विरोध किया। फैजल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि फैजल के सांसद चुने जाने के बाद
में हत्या के हथियार के रूप में लोहे के रॉड को शामिल करने के लिए एफआईआर को संशोधित किया गया। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता जिस लक्षद्वीप निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उसे बिना प्रतिनिधित्व के जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यही एक कारण है कि याचिकाकर्ता की सजा पर रोक पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुकूल विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए दर्ज किया हमलावर और घायल प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों से संबंधित हैं और याचिकाकर्ता के समूह पर हमले की एक पूर्व घटना हुई थी जिसके कारण आदेश पक्ष के हमलावरों को दोषी ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले को हाईकोर्ट में भेजे जाने तक दोष सिद्ध के निलंबन का लाभ जारी रहेगा। इस प्रकार मोहम्मद फैजल को लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के रूप में बने रहने की अनुमति मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव की उस याचिका पर नोटिस जारी किया। रामदेव ने याचिका में रेमडेसिविर और फेविफ्लू जैसी आधुनिक दवाओं की प्रभावकारिता पर सवाल उठाने और उन्हें कोविड-19 के दौरान कोई लोगों की मौत से जुड़ने वाली कथित टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई में कार्रवाई से सुरक्षा मांगी थी। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ रामदेव द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अन्य बातों के अलावा उनके खिलाफ विभिन्न स्थानों पर दायर एफआईआर को एक साथ जोड़ने और दिल्ली स्थानांतरित करने या रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। योग गुरु की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि एलोपैथिक दवाएं जो हैं वो उनके बारे में उनकी टिप्पणियां भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। सीनियर एडवोकेट ने बेंच से कहा है कि हो सकता है कि वह मेडिकल के किसी विशेष रूप या विज्ञान के किसी रूप में विश्वास नहीं करते हो, इससे मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने अगले दिन अपना बयान वापस ले लिया था। जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम एफआईआर को रद्द कर दें या उन्हें एक जगह कर दें? आपके पास दोनों नहीं हो सकते हैं। यदि आप रद्द करना चाहते हैं तो उपाय एक अलग फोरम पर है। और जवाब में दवे ने अर्नब गोस्वामी के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि एक ही बयान के परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों में कई आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। इसके विपरीत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने याचिका में प्रार्थनाओं को लेकर आपत्ति जताई है। अदालत ने नोटिस जारी करने के दवे के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और भारत संघ बिहार और छत्तीसगढ़ सरकारों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सूचना आयोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत शिकायतों और अपीलों को सुनने के लिए एक हाइब्रिड प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि एसआईसी को पार्टियों को हाइब्रिड सुनवाई का विकल्प चुनने और वाद सूची पर वीडियो लिंक साझा करने का विकल्प प्रदान करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सभी वादियों के लिए कुशल और सुलभ बनाया जाना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालय केंद्रीय और राज्य पीआईओ के ईमेल पते संकलित करने के लिए एक महीने की अवधि के भीतर कदम उठाएंगे जिसे सभी एसआईसी और सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा। इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए डीओपीटी एक बैठक बुलाएगा। सभी राज्यों और केंद्र सूचना आयुक्तों को उपरोक्त निर्देश का पालन करने के लिए एक समय सीमा तैयार करनी होगी। शीर्ष अदालत ने आके निर्देश दिया है कि राज्य जहां भी आवश्यक हो धन उपलब्ध कराएं। आदेश पारित करते समय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेपी पार्थीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यहां तक कह दिया कि न्याय जो है न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य घटक है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग अपनी कार्रवाई हाइब्रिड तरीके से करता है जिससे कि नागरिकों के लिए पहुंच आसान हो जाती है।
कोर्ट ने कहा कि हाइब्रिड या वर्चुअल सुनवाई के उद्देश्य से उचित रूप से तैनात प्रौद्योगिकी न्याय तक पहुंच में मदद कर सकती है और सुनवाई में भाग लेने के लिए लॉग यात्रा करने के अधिकार को अस्वीकार कर सकती है। शीर्ष अदालत SIC के कामकाज में सुधार लाने के उद्देश्य से एक जनहित याचिका PIL पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में निम्नलिखित उपायों के लिए प्रार्थना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी दस्तावेज का महज रजिस्ट्रेशन होना उसे संदेह से मुक्त नहीं करता है। शीर्ष अदालत एक संपत्ति विवाद पर विचार कर रही थी जिसमें वसीयत की वैधता और वैधानिकता पर सवाल उठाया गया था। कई अपीलों के बाद मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचा और ट्रायल कोर्ट ने माना था कि वसीयत की रजिस्ट्रेशन के बावजूद उसका वैध निष्पादन साबित नहीं हुआ है। अपने दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट ने माना था कि केवल वसीयत का रजिस्ट्रेशन उसे वैध नहीं बनाता है। जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की है। ट्रायल कोर्ट ने सही राय दी कि वसीयत का केवल रजिस्ट्रेशन ही इसकी वैधता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि इसके वैध निष्पादन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम साबित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी है क्योंकि मामले में अपीलकर्ता उत्तराधिकार अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के तहत कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा है। इसीलिए प्रतिवादी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत बिना वसीयत उत्तराधिकार के संपत्तियों पर कब्जा करने का हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी उपक्रम या निगम को होने वाला कोई भी नुकसान जो पूरी तरह से राज्य के स्वामित्व में है सरकारी खजाने को होने वाला नुकसान है। कोर्ट ने कहा है कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता कर्नाटक का राज्य का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। इसके होने वाला कोई भी नुकसान सरकारी खजाने को नुकसान होगा। दूसरी ओर प्रतिवादी न होटल स्थापित करने के लिए IT से संबंधित उद्योग स्थापित करने के अपने उद्देश्य को हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। अगर उपयोग के ऐसे परिवर्तन की राशि प्रतिवादी से कानूनी रूप से वसूल नहीं की जाती है तो परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता को होने वाला नुकसान सार्वजनिक हित में नहीं होगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने उस मामले का फैसला करते हुए जिसमें एक पट्टेदार ने राज्य के स्वामित्व वाले अधिनियम को निगम को कम दर पर भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान किया था, पट्टेदार को भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रचलित दर के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया। कर्नाटक राज्य ने बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को शामिल किया था। अपीलकर्ता के लिपिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने गलती से प्रतिवादी से भूमि उपयोग स्थानांतरण और रूपांतरण शुल्क के कम मूल्य की मांग उठाई थी। पीठ ने कहा था कि अपीलकर्ता एक राज्य के स्वामित्व वाला उपक्रम है और इससे होने वाला कोई भी नुकसान सरकारी खजाने को नुकसान होगा। यदि प्रतिवादी से शेष भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क की वसूली नहीं की गई तो ये सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा और ये माना गया कि प्रतिवादी कम दर पर रूपांतरण शुल्क की गणना में अपीलकर्ता के लिपिक कर्मचारी द्वारा की गई गलती का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता है। 141वीं बोर्ड बैठक में अपीलकर्ता के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय को अपीलकर्ता के लिपिक कर्मचारी या अधिकारी द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पट्टा समझौते और आवंटन पत्र में ये निर्धारित किया गया कि रुपए की दर 1 करोड़ प्रति एकड़ अस्थायी थी और अंतिम दर बाद में निर्धारित की जाएगी जो पट्टेदार प्रतिवादी पर बाध्यकारी होगी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अलग अलग मामलों में दायर 3 जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और
अंगल्लू हमला मामलों में जमानत और फाइबर नेट मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया गया था। बता दें आपको कि अमरावती इनर रिंग रोड मामला नायडू के शासन के दौरान राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान में कथित रूप से हेरफेर करने और कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित रूप से लाभ की पेशकश करने से संबंधित है। अंगल्लू मामला अगस्त के महीने में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की ओर से निकाली गई एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए दंगों से जुड़ा है। अन्नामय्या जिले के अंगल्लू और चित्तूर जिले के पुंगानूरू में पथराव, आगजनी और दंगे में तेलुगु देशम पार्टी और सत्ता में मौजूद वाईएसआरसीपी के समर्थक और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। फाइबरनेट मामला एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपए के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के चरण एक के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है। अपराध जांच विभाग ने आरोप लगाया कि निविदा आवंटित करने से लेकर पूरी परियोजना को पूरा करने तक अनियमितताएं हुई है, जिससे कि राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है। वर्तमान में नायडू कौशल विकास निगम घोटाला मामले में राजा महेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है। नायडू पर 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है, जिससे कि राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपए का कथित नुकसान हुआ था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।